हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। टोटल देयर विल बी 8 फॉर्म्स, जिनमें से जो शुरू के साथ हैं वो मोर और लेस एक जैसे हैं, जिनमें से काफी सारी चीजें तो आप लोगों ने 10th तक भी देख रखी होती है, लेकिन जो 8th फॉर्म है वो इन सातों से अलग है, यूनिक है, और उस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर फॉर्म से सॉल्व करने पे बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाते हैं कंपेयर टू दी अदर 7 फॉर्म्स। अगर आप बाकी के 7 फॉर्म्स नहीं देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, आप डायरेक्टली 8 फॉर्म पे जंप करिए। और अगर चीजों को फिर से रिवाइज करना है जो कुछ भी 10th तक पढ़ा है, तो आइए शुरू करते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन डिनोट करते हैं उसको थीटा से, क्या होता है द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये एक लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल बना रही है लाइन उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन की जो रेंज है वो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट पाए है, उसके बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। इंक्लिनेशन के बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज स्लोप। स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, आई एम श्योर कि ये पता होगा आप लोगों को। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर कोई लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उस केस में स्लोप की वैल्यू क्या आती है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा ये कैसे प्रूव होता है, बट फिर भी मैं एक बार फटफट इसको प्रूव कर देता हूं। थीटा अगर लाइन का इंक्लिनेशन है तो ये एंगल ऑब्वियसली सेम होगा। यहां पर इस ट्रायंगल में अगर मैं 10 थीटा लिखूं सो दैट विल बी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड। क्वाड्रेंट चेंज होगा तो साइन भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये कितना है y2 टू माइनस वाई वन, ये कितना है x2 टू माइनस एक्स वन। तो यहां से हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू आ गई विच इज स्लोप। अब इस पे कोई बच्चों वाले टाइप का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे कि मैंने आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछ रहा हूं कि मैं उसका स्लोप कितना है, वहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर ये दो बातें लिखी हुई जिसमें से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्लोप नॉट डिफाइंड का मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्लोप एक अकेली ऐसी चीज है जो कि नॉट डिफाइंड होने के बाद भी उसका कुछ सेंस बनता है, और कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो नॉट डिफाइंड है और उसको किसी फिजिकल चीज के साथ आप एसोसिएट कर सको। यहां पर क्योंकि इसको हम कर सकते हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज एक्स टू विल बी इक्वल टू एक्स वन, और इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा, यॉर्कर डालूंगा, बोल्ड मत होना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, सबसे पहला तो टू पॉइंट फॉर्म। देखिए एक लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास होगी। ये एक लाइन है जो कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू से पास हो रही है। लेट्स से मैंने इस पे एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लिया। लाइन का इंक्लिनेशन तो फिक्स्ड होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को यूज करके स्लोप लिखूं, दिस विल बी सेम एज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसको रीअरेंज करा तो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास होगी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आगे बढ़ते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। भाई एक लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हमको उस पर दो पॉइंट्स पता चल जाए, या तो कोई ये बता दे कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप कितना है, तो भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो ये वाली क्वांटिटी है वो क्या है? स्लोप ही तो है। तो किसी ने हमको ये बता दिया कि भाई ये लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है, इसका स्लोप m है, हमने फट से ये आंसर लिख लिया। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करिए, क्या आंसर आ रहा है भाई इसका।
एक्स माइनस वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपका सिर्फ ये आंसर आया हो, ये मिस कर दिया। क्यों भाई, मैं बताता हूं। इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो या तो उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो सकता है या तो 135 डिग्री भी हो सकता है। आई बिलीव कि आप 135 डिग्री भूल गए हैं। तो अगर मैं स्लोप को लेता हूं 1, मतलब 1045 डिग्री, तो लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और अगर मैं इंक्लिनेशन को 135 डिग्री लेता हूं तब तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस वन। बाकी की चीजें तो एज इट इज ही रहेगी, सिर्फ यहां पर माइनस वन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। ये बात का बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना कि इक्वली इंक्लाइंड के केस में इंक्लिनेशन कैन बी 45 डिग्री और 135 डिग्री। आगे बढ़ते हैं भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो हो गया स्लोप। ये जो सी है ये वाई इंटरसेप्ट है। इनकेस अगर आपको प्रूव करने की इच्छा हो तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर इंटरसेप्ट 2 बोल रखा है इसका मतलब है कि वो 2 है, और अगर नेगेटिव बोलना आएगा तो उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट माइनस 2। तो ये पॉइंट हमको पता है और ये बोल के रखा है कि भाई इसका स्लोप m है, तो बेसिकली अब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। चीजों को रीअरेंज करोगे तो ये बहुत ही इजीली दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो शुरू के 7 फॉर्म्स हैं वो मोर और लेस एक जैसे ही हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका, एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड 7x प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। राइट नाउ आई विल बी स्टिकिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि अभी हमने पढ़ा है। तो क्या लिखा हुआ है कि लाइन जो है वो 1, -3 से पास हो रही है और इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो है 4 ऑन वाई एक्सिस। अब इंटरसेप्ट की लेंथ 4 है, इसका मतलब इंटरसेप्ट प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है। सो लेट्स से The equation of line is y equals to mx plus minus 4. एक बार plus sign लेंगे, एक बार minus sign लेंगे। तो अगर मैंने plus sign लिया, m की value कैसे निकालोगे, ये line कहां से pass हो रही है, 1, -3 से। So substitute कर देते हैं भैया, इधर ये m आ जाएगा, हमने plus लिया है तो यहां से m की value आ गई -7। ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर माइनस लोगे तो ये तो -3 रहेगा, ये m रहेगा, इधर ये -4 आ गया। तो यहां से m की वैल्यू कितनी हो गई, +1। ये चीज वापस यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर ये दिख जाएगा, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे बना रही है इंटरसेप्ट ए और वाई एक्सिस पे बना रही है इंटरसेप्ट बी। तो ये आएगी उस लाइन की इक्वेशन, ए एंड बी विल बी अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इस फॉर्मेट में लिखते वक्त ए या बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, फॉर ऑब्वियस रीजन। इसको प्रूव बहुत ही इजीली किया जा सकता है। बेसिकली क्या हो गया भाई, ये लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन लिखो, चीजों को अरेंज करो, ये दिख जाएगा। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए।
क्या आंसर आ रहा है इसका? 4x + 3y = 24 एंड x + y = 7। चलिए भाई, सो लेट्स से कि जो इक्वेशन है जो हमको फाइंड करनी है वो है x/a + y/b = 1। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक तो ये लाइन जो है वो 3.4 से पास कर रही है, तो 3.4 इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरी चीज ये कि जो इंटरसेप्ट का सम है वो कितना है? 14। तो इंटरसेप्ट क्या है यहां पर? ए एंड बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 14। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, फटफट सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर ए की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब ए प्लस बी इक्वल टू 14 था, तो अगर बी इक्वल टू 7 है तो ए इक्वल टू कितना होगा? 7। और अगर b इक्वल टू 8 है तो a कितना हो जाएगा? 6। यहां सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ये इजीली दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2x + y = 7। कैसे सॉल्व करना है देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन है जो कि 2.3 से पास हो रही है और वो जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो जो 3 वाला पार्ट रहेगा ना वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के पास में होगा, ये 4 वाला, ये फोटो में दिख नहीं रहा है लेकिन बाय कन्वेंशन एक्स पहले आएगा y बाद में आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, ये मत सोचना कि दोनों ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये कन्वेंशन है इस तरीके से। अब क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, लेट्स से इसको अपन ने बोल दिया 1.0 और इस पॉइंट को बोल दिया 0.b। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और अपने पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तो है ही। तो चलिए भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 4 × a + 3 × 0/4 + 3 बोले तो 7 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 7/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो 4 × 0 + 3 × b / 7 = 3। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x इंटरसेप्ट 7/2, y इंटरसेप्ट 7। आंसर बड़ा ही इजीली आ जाएगा, x/7/2 + y/7 = 1। तो 2x/7 + y/7 = 1। तो आंसर आ गया 2x + y = 7। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म बहुत ही यूजलेस फॉर्म है। क्या होता है समझा देता हूं भाई। अब ये जो पिंक कलर की लाइन है ना, इसकी इक्वेशन लिखनी है लेकिन इस इक्वेशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। ये पता है कि ये जो लाइन है इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात जब भी करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड। तो ये जो डिस्टेंस है वो पी है और ये जो परपेंडिकुलर है
ये इस पिंक वाली लाइन पे ओरिजिन से ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है अल्फा। अगर ये डिस्टेंस पी है और ये एंगल अल्फा है तब ये जो गुलाबी कलर की लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी क्योंकि डिस्टेंस है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और क्योंकि P को अपन नेगेटिव नहीं कर सकते इसलिए अल्फा इज फ्लेक्सिबल टू टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 2 पाई अनलाइक इंक्लिनेशन। अनटिल एंड अनलेस कोई डायरेक्टली बोले नहीं कि भाई डिस्टेंस P इतना है अल्फा इतना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट्स नॉट यूजफुल। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हम इजिली कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हो आप लोग ट्राई करने के लिए जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि ये फॉर्म आया कैसे। अपने को तो ये पता है और ये अल्फा पता है तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी कैसे। आई विल गिव यू अ हिंट यूजिंग दिस एंड दिस फाइंड दिस एंड दिस। हिंट क्या है तो मैंने पूरा ही बता दिया। तो ये हो गया अपना एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो, आंसर इस फॉर्मेट में इजीली आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज है डिटरमिनेंट फॉर्म, अगेन अ वेरी यूजलेस फॉर्म। जैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था तो भाई वहां पर ये बात भी बोली थी टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, तो अगर लाइन है तो लाइन के तो सभी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये दो तो उस लाइन के फिक्स्ड पॉइंट हो गए और ये उसका वेरिएबल पॉइंट हो गया, तो क्लियरली ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज ये कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो ये जो फॉर्मेट आएगा ये टू पॉइंट फॉर्म जैसा ही आएगा, कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको स्किप करके फटफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज जनरल फॉर्म। कोई सी भी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। कभी ये हो सकता है कि x गायब हो जाए, कभी ये हो जाएगा कि y गायब हो जाए। अगर x का कोएफिशिएंट जीरो आ जाए तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा, मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर y का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए तो x कॉन्स्टेंट आ जाएगा, मतलब लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये जनरल इक्वेशन है, इसका स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये लिखा हुआ है। आप जरा फटफट सोच के देखिए कि ये आया कैसे। सोच लिया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको अगर मैं अरेंज करूं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो मुझे दिख गया कि स्लोप ये आरएला है, y इंटरसेप्ट ये आरएला है। x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे भाई, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट जीरो, y को जीरो किया x की वैल्यू माइनस सी बाय ए एकदम इजीली आ गई। जनरल फॉर्म हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि जनरल है, हर जगह पे इसी तरीके से लिखा हुआ दिखेगा हमको एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सबसे यूनिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म पे जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। कोई से भी कर्व की इक्वेशन, लाइन को भी अपन कर्व ही बोलेंगे, कोई से भी कर्व की इक्वेशन टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में भी होता है बट राइट नाउ वी विल बी स्टिकिंग ओनली टू टू डायमेंशन। तो जो ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, इन दोनों को अपन किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं इन सच अ वे दैट इफ वी एलिमिनेट दैट थर्ड वेरिएबल वी गेट द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। जैसे एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल, ये मैंने लिख लिया। अभी तो आपको बहुत ही चाइल्डिश लगेगा क्योंकि ये है भी बहुत चाइल्डिश एग्जांपल,
बट यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि देखो x को मैंने एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म्स में लिखा, उसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में मैंने y को भी लिखा, और जैसे ही मैं इस थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा, कैसे करूंगा, यहाँ पर t की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी। बस इसी तरीके से पैरामीटर का काम होता है। फायदा क्या होता है इससे कि हमारी चीजें कम हो जाती है। भाई एक ही पैरामीटर के टर्म्स में मैंने दोनों को एक्सप्रेस कर दिया तो जो दो वेरिएबल थे एक्चुअली x एंड y, नाउ दे आर रिड्यूस्ड टू ओनली वन वेरिएबल। आगे जाके कई सारे फॉर्मूले हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ही याद रखेंगे और आपको ये रियलाइज होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन हर कर्व के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं। जैसे यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है कि भाई एक लेट से कर्व ले लिया अपन ने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या होता है ये, क्या इसका नाम है, बाद में सब बताएंगे। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये सैंपल के लिए मैंने तीन लिख लिए। आई एम नॉट सेइंग कि तीन ही होंगे, और भी कोई भी क्रिएट कर सकता है और तीनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल हमने, तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी, तो वाई इक्वल टू टी है मतलब यहां से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही तो था। तुम ये ले लो तब भी यही मिलेगा, तुम ये ले लो तब भी यही मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इन तीनों में से ये जो सबसे गंदा दिख रहा है, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे उनमें ये आता है। आई विल एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू वरी, जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब मैं सब चीजें समझाऊंगा। अभी जो मेन चीज है वो अपने को ये समझना है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो कि हमको ध्यान रखने हैं। और अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन का भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए फिर उसके बारे में बात करते हैं। ये एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन लेट से थीटा है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और इसी लाइन के अलोंग इससे आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई। अब क्या मैं एक्स कॉमा वाई को एक्स वन वाई वन और आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये जो है ये हाइट वो क्या होगी, वाई माइनस वाई वन, एंड सिंस दिस इज थीटा दिस विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब वाई इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा हो गया। उसी तरीके से एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब जैसे जैसे मैं आर को चेंज करूंगा ये एक्स कॉमा वाई चेंज होता जाएगा। एक्स वन वाई वन फिक्स है, थीटा फिक्स है, आर यहां पर वेरिएबल है, आर इज आर पैरामीटर, वेरिएबल चीज ही पैरामीटर होती है, फिक्स्ड चीज को पैरामीटर नहीं बोला जाता है। तो जैसे जैसे मैं आर को चेंज करूंगा मुझे इस लाइन के अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, यही तो हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। रीअरेंज करा चीजों को तो ये आ गई इस तरीके से लिखी हुई। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस प्लस माइनस, ये कंफ्यूज कर रहा होगा अभी आई एम श्योर। पहले तो प्लस के साथ ही समझ लेते हैं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर है, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर है, मतलब सब कुछ इक्वल है। अब देखिए क्या है ना कि थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है, और इंक्लिनेशन की रेंज क्या होती है, जीरो से लेकर पाई तक के। अगर थीटा जीरो से लेकर पाई तक है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो होगा, बट यस इट इज नॉन नेगेटिव। आर जो है वो डिस्टेंस है, ये भी अगेन नॉन नेगेटिव। तो यहां से जो मुझे वाई मिलेगा वो
ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई वन होगा बिकॉज दिस क्वांटिटी इज तो नॉन नेगेटिव और बीच में प्लस साइन है। तो अगर कोई चीज वाई वन के इक्वल या वाई वन से ज्यादा है, लेट्स टॉक ओनली अबाउट ग्रेटर देन वाई वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट वाई वन से ऊपर हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करेंगे तो जो पॉइंट नीचे है उसका वाई कोऑर्डिनेट छोटा है और जो पॉइंट ऊपर है उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बड़ा है। तो इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए अपन ने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया है और ये नीचे लाइन लिखी हुई है कि पॉजिटिव का मतलब पॉइंट x1 कॉमा y1 से ऊपर, नेगेटिव का मतलब पॉइंट x1 कॉमा y1 से नीचे। यहां पर मैंने 0 और पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि 0 पर साइन 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे कॉस 0 हो जाएगा, बट वी अंडरस्टैंड कि 0 का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप 0, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y कांस्टेंट, पाई बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप नॉट डिफाइंड, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x कांस्टेंट। ठीक है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है। हो सकता है कि किसी टेक्स्ट बुक में आप ये प्लस माइनस साइन नहीं देखें, बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि वो माइनस को आर के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, या तो ये होता है कि वो थीटा को फ्लेक्सिबल रखते हैं जीरो से लेके टू पाई तक। भाई मैंने जो ये यहां पर इस चीज को बोला कि नॉन नेगेटिव है, वो तो इसलिए बोला क्योंकि थीटा जो है वो जीरो से पाई है और वहां पर मुझे पता है कि साइन थीटा इज नॉन नेगेटिव, इसलिए यहां पर हमने प्लस माइनस लगा लिया है। आई थिंक दिस इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज वी आर यूज टू थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई। समझना भी बहुत इजी है, ध्यान रखना भी बहुत इजी है। प्लस का मतलब पॉइंट ऊपर वाला, माइनस का मतलब पॉइंट नीचे वाला, आर अपना नॉन नेगेटिव है, आर क्योंकि डिस्टेंस है और आर ही यहां पर पैरामीटर है बिकॉज दैट्स दी वेरिएबल क्वांटिटी। अब यहां पर आप लोगों के लिए मैंने एक टिप टिप बरसा पानी कर दिया है, जब भी डिस्टेंसेस अलोंग द लाइन इज इन्वॉल्व ऑलवेज प्रिफर यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल फॉरगेट इट और यू माइट बी अनकंफर्टेबल क्योंकि जो शुरू के साथ है वो इंटरकनेक्टेड है और वो बचपन से यूज करते आ रहे हैं इसलिए। बट जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है उस बात को ध्यान रखोगे, इस टिप को ध्यान रखोगे, भले ही इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट जो ये मेथड से सॉल्व करने में मजा आएगा और जिस स्पीड से सॉल्व होगा वो बाकी के 7 मेथड से सॉल्व उतनी फास्ट नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा इसमें लगता है ऐसा कि मतलब वाह यार मचाया है। ठीक है भाई, तो टर्म्स क्लियर हो गई, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, 6। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन तब भी देखो अगर आपने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज नहीं किया है। तो चलिए भाई, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते। एक लाइन है जो कि √3,2 से निकल रही है, उसका इंक्लिनेशन दे रखा है। वो लाइन जब इस लाइन को मीट कर रही है बी पर, तो ए से इस पॉइंट बी की दूरी कितनी है हमको वो फाइंड करनी है। मैं फोटो बना के समझाता हूं कि हो क्या रहा है। ये है ये वाली लाइन जो कि ए से निकल रही है, और ये है ये वाली लाइन, लिख नहीं रहा हूं बट समझ जाओ। ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट बी पर और हमको फाइंड करनी है ये लेंथ। अब देखिए ऐसा है कि अगर ये ऑरेंज वाली लाइन की मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखता हूं, मतलब वो आर के टर्म्स में आएगी, क्या होंगे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक बार जरा लिख लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस माइनस आर कॉस थीटा, तो थीटा तो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये हो गया, और y इक्वल टू y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। अब r की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो भी पॉइंट मुझे मिलेंगे वो डेफिनेटली इस ऑरेंज वाली लाइन पे तो लाई करेंगे, बट r की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा।
और हमें वही आर फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. सो व्हाट नाउ आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन एंड आई विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ आर. अब क्लियरली आर जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए. क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? पाई बाय 12 और 5π/12. चलिए तो क्या करना है अपने को, अपने को डायरेक्शन फाइंड करनी है उस लाइन की जो कि 1,2 से पास हो रहा है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस √6/3 पर. तो इस लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x=x1 मतलब 1 प्लस माइनस r मतलब √6/3, cos थीटा. y कोऑर्डिनेट विल बी 2 प्लस माइनस √6/3 साइन थीटा. हमको फाइंड करना है थीटा जब ये पॉइंट इस लाइन पर लाए करे, तो इस पॉइंट को मैं इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ताकि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के. या तो आप ये भी कर सकते हो कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग विल बी स्लाइटली इजी इन दिस पर्टिकुलर केस. तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो बन गया 1. 2 sin theta into cos theta that will become sin 2 theta. इधर ये आ गया 9/6 मतलब 3/2. तो यहां से मेरे पास sin 2 theta की वैल्यू आ गई 1/2. अब theta है अपना 0 से पाए तो 2 theta हो जाएगा 0 से 2 पाए. 0 से 2 पाए में sin की वैल्यू 1/2, एक तो 30 डिग्री पर होगी और दूसरी 150 डिग्री पर होगी. तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 5/12, 5π/12. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बाकी किसी और फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते तो थोड़े से कैलकुलेशंस ज्यादा होते. पैरामेट्रिक फॉर्म पे और भी क्वेश्चंस हैं, डीपीपी डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए मजा आएगा. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.